अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग आवर यूनिट नंबर 3, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। लेट्स कंटिन्यू आवर रीडिंग। स्टूडेंट नंबर 2, लेट मी से द मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट्स नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट आल्सो एंटरटेन अस। स्टूडेंट नंबर 2 ने कहा, मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये ना तो सिर्फ हमें मालूमात मुहैया करता है बल्कि हमें तफरी भी मुहैया करता है। इसे हमारा दिल बहलाने का काम भी करता है। टीचर, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, बिल्कुल ठीक। वेल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? अच्छा, तो क्या आपको 2 बड़े जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके बारे में मालूम है? स्टूडेंट 3, देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। स्टूडेंट 3 ने कहा, जी हाँ, कम्युनिकेशन के 2 मीन्स जो हैं वो हैं, एक तो है बरकी मीडिया और दूसरा है प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन एंड इंटरनेट आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, और प्रिंट मीडिया में आ जाएंगे हमारे पास बुक्स एंड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट। ये हमें मालूमात भी देते हैं, साथ साथ हमें एंटरटेन भी करते हैं। टीचर, गुड। इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। ये मीडिया की वजह से ही हुआ है कि दुनिया जो है एक बिल्कुल ग्लोब, हम कहते हैं दुनिया का जो है वो नक्शा जो है ग्लोब के ऊपर, उसको ग्लोबल विलेज के एक बिल्कुल कुर्वी जो है वो गाँव बन के रह गया है। देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन। टेलीविजन के ऊपर दुनिया के तमाम जो अहम मौके होते हैं उनकी कवरेज उनको दिखाया जाता है, कवर किया जाता है उसके ऊपर। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। और हमारे पास हम जो है हर तरह के इंफॉर्मेशन की जो ज़राए हैं उनके ऊपर हम आसानी से अबूर हासिल कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है या इंफॉर्मेशन क्या क्या दुनिया में फैली हुई है। स्टूडेंट नंबर 4, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ क्लिक अवे? क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया एक क्लिक से भी दूर है, मतलब एक क्लिक करें और दुनिया हमारे सामने आ जाए? टीचर, मे बी, हाँ शायद। वेल, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? कोई और स्टूडेंट कुछ कहना चाहेगा इसके ऊपर? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड। मिस आयशा ने जो बच्चियाँ या बच्चे पीछे बैठे हुए थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। स्टूडेंट नंबर 5, मैडम, इन माई ओपिनियन मीडिया प्लेज़ अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। मेरे ख्याल में मीडिया जो है वो बहुत एक तामीराती किरदार अदा करता है माशरे को, माशरे के अंदर। इट रेज़ेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इशूज़ लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये लोगों के अंदर अवेयरनेस या जानने की जो सलाहियत है उसको उभारता है किस बारे में, बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जो माशरे के जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, लाइक करप्शन, बदउनवानी, टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन, नशे की लत एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जो है ये दुनिया के अंदर अवेयरनेस या जो है कि फहम जान लेते हैं लोग उसके बारे में कि किस तरह से खुद क्या चीज़ गलत है क्या सही है थ्रू मीडिया। टीचर, येस यू आर राइट। हाँ, आप ठीक हो, आपने सही बोला। स्टूडेंट नंबर 6, मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। मीडिया जो है वह किस्म की एक लोगों की तरफ से आवाज़ बन गई, किसी की तरफ से बोलने वाला, मतलब सितम रसीदा लोगों के खिलाफ के हक में बोलने वाली एक आवाज़ बन गई है। और टीचर सेड, येस, वेल सेड, हाँ बहुत अच्छा कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया जो है वो एक बहुत चुकन्ना या हर वक्त हाजिर जवाब रहने वाला एक अदारा बन गया है जो कि सोसाइटी के या माशरे के हर एक हिस्से के ऊपर अपनी नज़र रखता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, दो थ्रू डिबेट्स मुबाहिसे के ज़रिए रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं, टॉक शोज या फिर जो बहस मुबाहिसे की जाते हैं बातें करके लोगों के बारे में,
छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इट मेक्स एवरी वन आंसरेबल द एंड अकाउंटेबल, और इसके थ्रू तमाम लोग जो हैं वो जवाबदेह हैं और ज़िम्मेदार हैं इस माशरे की बुराइयों को रोकथाम करने के लिए और लोगों की जो जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत को उभारने के लिए। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। यही वजह है कि मीडिया हमारी ज़िंदगियों का एक लाजमी जुज बन के रह गया है बन गया है। इट वुड इन्वाइट वन ऑफ यू टू सम अप सॉरी नाउ आई वुड इन्वाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। टीचर ने कहा कि अब मैं तुम में से किसी एक को दावत दूंगी कि वो आके इस तमाम बहस का जो है वो एक कंक्लूजन निकाले या फिर इसका इख्तितामिया पेश करे। स्टूडेंट वन, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली। स्टूडेंट वन जिसने स्टार्ट की थी बात उसी ने इख्तिताम करते हुए कहा, मैं ये इसका तजिया पेश करूँगी या नतीजा ये निकालूँगी, ये नतीजा हम पेश करूँगी ये कहते हुए कि मीडिया जो है एक ऐसा मस्बत किरदार अदा करता है या एक ऐसा इस्लाही असर रखता है अगर ये ईमानदारी से काम करें। मतलब मीडिया जो है वो इस्लाही किरदार अदा कर सकता है अगर ये ईमानदारी से काम करें। टीचर, गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, कि आप सब ने इस बहस के अंदर हिस्सा लिया। एंड हैव एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेल, और आप लोगों ने अपने ख्याल का बहुत अच्छे से इजहार किया। द बेल रिंग्स, घंटी बज गई। मिस आयशा से गुड बाई टू द क्लास एंड लीव्स। मिस आयशा ने क्लास की बच्चियों को गुड बाय अल्लाह हाफिज़ कहा और क्लास छोड़ दी। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे जो भी समझा जो भी सीखा आप लोगों ने उसके बारे में क्वेश्चन आंसर बनाने हैं और मीडिया के रोल के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो करने हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड की स्पेलिंग याद करने हैं और मीनिंग को देखना है। फिर हम जो है नेक्स्ट डे में इसके हम डिफरेंट जो बाकी का काम है वो करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।